नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। छह दिन कथा में सहयोग, सातवें दिन बदला धर्म, शिवपुरी के 45 परिवार बने बौद्ध। कहा, जहां इज्जत से जीने का अधिकार वही रहेंगे। शिवपुरी के बहगवा गाँव में 45 जाटव परिवारों ने गाँव के लोगों पर छुआछूत का आरोप लगाकर बौद्ध धर्म अपना लिया। इन लोगों ने गांव में हो रही भागवत कथा में 6 दिन तक सहयोग किया, सातवें दिन धर्म परिवर्तन कर लिया। उनका कहना है कि जहां हमें इज्जत से जीने का अधिकार मिलेगा, हम उसी मार्ग पर खुशी खुशी चलने को तैयार हैं। शिवपुरी के करीब 75 किलोमीटर दूर बहगवा गांव में 392 परिवार रहते हैं। कुल आबादी 2200 है, 1400 वोटर हैं और गांव में 45 घर जाटव समाज के हैं। समाज के सदस्यों की संख्या करीब 350 है, जिनमें से 200 वोटर हैं। बहगवा गाँव पहुँची जिसमें 45 परिवारों को सनातन धर्म छोड़ना पड़ा। टीम जब गांव में दाखिल हुई तो सड़कें सूनी पड़ी थी, एक मंदिर के पास भीड़ थी। पूछने पर पता चला कि इसी मंदिर परिसर में भागवत कथा हुई थी। यहीं पर भंडारे से पहले विवाद की स्थिति बनी। मंदिर परिसर में जो भीड़ थी वह भागवत कथा आयोजन समिति के सदस्य और अन्य लोगों की थी। ये जाटव समाज के धर्म परिवर्तन को लेकर चर्चा कर रहे थे। मंदिर के पास ही हेड पंप पर कुछ महिलाएं पानी भर रही थीं। घटनाक्रम पूछने पर बोली, गांव में छुआछूत को लेकर विवाद हुआ है। टीम आगे बढ़ी तो पता चला कुछ दूर एक घर के बाहर भी भीड़ जुटी है। यहां जाटव समाज के लोग बैठक कर रहे थे। वे बौद्ध धर्म अपनाने के बाद आगे की रणनीति पर चर्चा कर रहे थे। इसी बीच प्रशासनिक अधिकारियों की टीम भी गांव पहुंच गई। इसमें तहसीलदार अमित दुबे शामिल थे। शिवपुरी जिले की CWC अध्यक्ष डॉक्टर सुषमा पांडे भी प्रशासन की टीम के साथ पहुंची थी। पूरा घटनाक्रम समझा, इसके बाद मंदिर पहुंचकर समिति सदस्यों से भी बात की। सबसे पहले जानते हैं विवाद की पहली वजह। शिवपुरी जिले के करोरा के बहगवा में 25 जनवरी को भागवत कथा की शुरुआत हुई थी। इसका आयोजन पूरे गांव की ओर से किया गया था। यह आयोजन 25 साल बाद हो रहा था। 30 जनवरी को प्रसाद के रूप में जाटव समाज ने 6 क्विंटल केले बांटे थे। 1 फरवरी को भंडारे का आयोजन होना था। 31 जनवरी को दोपहर में भंडारे में काम के बंटवारे को लेकर सभी लोगों की बैठक बुलाई गई थी। इसमें जाटव समाज को पत्तल उठाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। समाज के कुछ सदस्यों ने कहा, पत्तल उठाने के साथ ही भोजन प्रसादी के लिए बैठने वालों को पत्तल परोसने का काम भी उन्हें दे दिया जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं? AP कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाई सुहागी बाईपास। शिफ्टिंग की टेंशन? अब नो टेंशन, शिफ्ट गो पैकर्स एंड मूवर्स है ना, जो आपके घर के पूरे सामान के साथ आपकी बाइक व कार को सुरक्षित एवं जिम्मेदारी के साथ आपके घर तक पहुंचाता है। तो आप देख इस बात की आज ही संपर्क करें 8821000717।